रिस्पॉन्डिंग क्या है, ए टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ए बी 600 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक टू वायर पहले तो बनाएंगे, ये ए है और ये क्या है बी, एकदम सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस वैसे हिसाब से चलते चल रहे हो, ठीक है। ए बी टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ए बी 600 मीटर, मतलब यहाँ के ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है एल की वैल्यू कितनी है 600 मीटर, ठीक है। एज अंडर डिस्टेंस फ्रॉम ए, ए से कितने डिस्टेंस पे 150 मीटर पे 150 मीटर पे, ठीक है, ये कितना है 150 मीटर पे एक पॉइंट सी मान लो, और कितना करंट है लोड एम्पियर यहाँ पे 100 एम्पियर, ठीक है। फिर इसके बाद 300 मीटर पे, मतलब यहाँ से 300 तो यहाँ से कितना हो जाएगा सी से डी के बीच की डिस्टेंस 150 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। कितनी करंट है 200 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। फिर 350 का मतलब हो गया यहाँ से, मतलब डी से ई के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 50 मीटर, कितना है 250 एम्पियर, ठीक है। और फिर 450 का मतलब हो गया कि 350 ये हो गया 450 मतलब 100 डिस्टेंस पे यहाँ से 100 डिस्टेंस पे 100 मीटर पे आपको मिल जाएगा कौन 300 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग करंट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। 150 सबको ऐड करके देख लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 400 आ रही कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 600, तो यहाँ पे 450 तो ये हो गया 150 मीटर, ठीक है। तो 150 ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो ये था डिस्टेंस ए से, और हर सेक्शन की डिस्टेंस लिखना है। आफ्टर दैट अब हमारा टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस नामकरण कर दो सी डी ई और ये एफ। रेजिस्टेंस भी चाहिए हर सेक्शन का, नहीं तो पहले बताओ रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोला है। रेजिस्टेंस के बारे में बोला है द लोडिंग पॉइंट ए इज मेंटेन एट, अच्छा वी ए की वैल्यू कितनी दी है 440 वोल्ट और वी बी की वैल्यू कितनी दी है 430 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। इफ ईच कंडक्टर, देखो यहाँ बोला ईच कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस इज 0.8, मतलब ईच रेजिस्टेंस का मतलब ये टू आर है तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो आर जो आर पर यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग, पर यहाँ पे क्या पर मीटर लिखना है, तो ये देखो 2 × 0.01, 2 से क्यों मल्टीप्लीकेशन किया, क्योंकि यहाँ पे ईच कंडक्टर का दिया है तो यहाँ पे 2 वायर है ना, यहाँ पे 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर है, दैट्स व्हाई 2 से मल्टीप्लीकेशन। 2 × जो भी रेजिस्टेंस दिया पर मीटर, तो यहाँ पे पर 100 मीटर करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 100 से डिवीजन कर दो तो ओम पर मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × वैसे 2 × 10⁻⁴ ओम पर मीटर, क्लियर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हो गया। अब हमारा टारगेट होगा हर सेक्शन का, सेक्शन ए सी रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए सी, ए सी करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, लेंथ कितनी है 150 × 2 × ये हो जाएगा 150 × 2 × 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा ये 300, ठीक है। तो ये लिखेंगे 0.03 ओम, ठीक है। तो ये हो गया 0.03 ओम, इसका भी सेम नहीं, इन दोनों का सेम होगा नहीं, क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए तो यही होगा। अच्छा ये भी तो है, इसका भी 0.03 ओम ऐसा लिख सकते हो। फिर नाउ नेक्स्ट वन रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू डी ई, क्योंकि इसका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हो गया डिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, आर ऑफ ए सी दिस बी इक्वल टू आर ऑफ सी डी दिस बी इक्वल टू आर ऑफ एफ बी, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन किसके करस्पॉन्ड डी ई सेक्शन करस्पॉन्डिंग बात करें तो आर ऑफ डी ई, देखो कैसे लिखा जाता है ये भी बहुत मैटर करता है, इसलिए प्रोसीजर को फॉलो करना सीखो हाउ टू राइट इट, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन करना ही नहीं, अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो हाउ टू राइट इट बहुत मैटर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन डी ई, इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 100 सॉरी जो डी कितना रेजिस्टेंस है, 2 × 10⁻⁴ इंटू ऐसे 2 × 10⁻⁴ पर मीटर करस्पॉन्डिंग, तो ये यहाँ पे 50 मीटर से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो यह मिलेगा 0.01 ओम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हो गया 0.01 ओम के करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से किस सेक्शन का ई एफ, तो आर ऑफ ई एफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 इंटू देखो 2 × 10⁻⁴ इंटू 100 कितना मिलेगा, 0.02 ओम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा तो कैसे, बस फिर इसके बाद क्या बताया था, सिंपली अब देखो करना क्या है, डिटरमाइन क्या करना है, द करंट इज सप्लाई फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ कितना करंट सप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा दोनों पॉइंट का वोल्टेज दिया होता है, इसका मतलब करंट दोनों साइड से आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आई ए और यहाँ पे जो भी है आई बी मान सकते हो। तो ये बताइए अगर इसमें आई ए है तो इसमें कितनी हो जाएगी, आई ए माइनस 100, इसमें कितना हो जाएगा आई ए माइनस 300, नहीं यहाँ पे इस करंट में से इस करंट को माइनस कर दो कितना मिलेगा आई ए माइनस 300। फिर उसी तरीके से इसमें कितना हो जाएगा आई ए माइनस 300 में से 250 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, और इसमें करेंगे तो आई ए माइनस 850। ठीक है, यहाँ तो कर सकते थे। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको ये दोनों दिया हुआ वोल्टेज ड्रॉप वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू देखो करंट का सपर डायरेक्शन क्या है, ऐसा ही हमने ले रखा है सिंप्लिसिटी के लिए कि सबका ऐड कर दोगे दिस वन सबको ऐड कर दोगे वोल्टेज ड्रॉप वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू आई ए सॉरी आई ए इंटू आर ऑफ ए सी आई ए माइनस 100 इंटू आर ऑफ सी डी फिर आई ए माइनस 300 इंटू आर सॉरी आर ऑफ डी ई आई ए माइनस 550 इंटू आर ऑफ ई एफ एंड नेक्स्ट वन आई ए माइनस 850 इंटू आर ऑफ एफ बी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, सिंपल बहुत सिंपल है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू इस रेजिस्टेंस नहीं इस सेक्शन का रेजिस्टेंस लिख देंगे बस। अब 440 माइनस तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें लेकिन डायरेक्ट लिखना चाहिए डायरेक्ट लिख लो या 440 फोर माइनस 30 आई ए पर आई ए इंटू करंट कितना 0.3 रेजिस्टेंस 0.3 यहाँ पे आई ए माइनस 100 इंटू 0.3 नहीं 0.3 नहीं 0.0 यहाँ देखो मिस्टेक हो गई, वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया। ठीक है, तो ये हमसे भी हो जाती है तो इसको आप लोग केयरफुली, ये नहीं कि सर नहीं हम भी गलत फार्मूला ले सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो ये नहीं कि हमेशा अपनी आंखें कान खुली रखो। प्लस दिस वन हमसे मिस्टेक होते तो ये नहीं कि सर आपने वहाँ कर दिया था तो हम वही लिख दिए, छापना नहीं है करना है अपने से। कई बार तो मैं जानबूझ के करता हूँ कि लोग जो लोग एकदम डिक्टो छापते हैं ना कम से कम। ठीक है, आई ए माइनस 550 इंटू ई एफ दैट इज 0.02, मेथड गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो आपके ये सब तो कैलकुलेशन है। ये हो गया 0.03। ठीक है, अब कुछ नहीं, ये कितना हो गया 10 दिस इक्वल टू आई ए 0.03 कितना होगा 0.06
और उसमें 0.1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.7, और उसमें भी 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.9, और उसमें भी 0.9 में 0.09 में 0.3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी है ना 12, तो ये हो जाएगा 0.12। आप चाहो तो अपने से कर सकते हो। फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3, इसका इसमें तो भी 3, ठीक है। फिर इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज कुछ नहीं। ये भी ध्यान से देखो तो ये कितना है 11, नहीं ये 550 इंटू, अगर कहीं दिक्कत हो रही तो 0.02 से मल्टीप्लिकेशन करके देखो 11 है माइनस 11, ये कितना होगा 850 इंटू 0.03 दैट इज 25.5, ठीक है। तो आई ए की वैल्यू हो गई 10 और ये सब ऐड कर दो 25, देखो 10 प्लस 11 प्लस 6 17, ये हो गया 17 प्लस 25.5, ये कितना होगा 52.5 डिवाइड बाई 0.12, ठीक है। तो ये होगा 52.5 डिवाइड बाई 0.12 दैट इज 4437.5 एम्पीयर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जो हमारी करंट आ गई वो जो आई है वो किसके करस्पॉन्डिंग आ गई है, दैट इज 4375 एम्पीयर, सही है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हर सेक्शन में करंट निकाल लो। तो यहाँ पे कितनी हो गई 4375 एम्पीयर, इसमें कितनी हो जाएगी 100 माइनस कर दो तो 100 इसमें से माइनस कर दोगे तो 4 में से तो ये हो जाएगा 337.5 एम्पीयर। इसमें से आई ए में से ये कर दोगे तो 137.5 एम्पीयर। अब देखो यहाँ माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये कम है इससे, तो इस वजह से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है 437.5 माइनस 550 कितना आया, ये आ रहा है 2.5 एम्पीयर, ठीक है। और यहाँ पे भी 850 माइनस 437.5, हमेशा एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। जब आप करो क्वेश्चन में तो एक बार रीचेक जरूर कर लो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, एक मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, लाइक दिस वन। अब देखो दोनों साइड में वोल्टेज क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है करंट, मैक्सिमम कहाँ रही यहाँ पे, मतलब मिनिमम पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमारा टारगेट क्या होगा, ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, द करंट सप्लाई फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ सप्लाई कितनी हो रही है, करंट सप्लाई फ्रॉम ए टू बी, करंट सप्लाई फ्रॉम ए टू बी क्या लिखोगे, आई ए दिस इक्वल टू 437.5 एम्पीयर, और ये बी टू ए लिखना हो तो वहां पे आई बी लिखोगे और आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 412.5 एम्पीयर, क्लियर। ये तो हो गया हमारा टारगेट। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, द करंट सप्लाई सॉरी द पावर डिसिपेटेड इन डिस्ट्रीब्यूटर, तो पावर जो है कितना, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी पावर जो है डिसिपेटेड इन डिस्ट्रीब्यूटर कितना होगा वो हमको डिटरमाइन करना है। देखो पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, ये तो सब लिख लिया है ना जी, वहाँ पे तो सब लिख लिया है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, पावर डिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन के करस पावर डिसिपेशन डिसिपेटेड के करस्पॉन्डिंग, तो पावर डिसिपेटेड पी दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, सब में क्या करोगे, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, चूंकि इसका निकालना है तो इस वजह से इस पर फोकस करो ना कि वोल्टेज पे, ठीक है, हमेशा ये इसमें करंट टू। तो चलो क्या करेंगे, आई ए का स्क्वायर इंटू आर ए सॉरी आर ऑफ ए सी, आई
आई ए माइनस जो भी है ऐसे सी डी का स्क्वायर इंटू आर ऑफ सी डी, फिर आई ऑफ डी ई का स्क्वायर इंटू आर ऑफ डी ई प्लस आई ई एफ का स्क्वायर इंटू आर ऑफ ई एफ और एफ बी का स्क्वायर इंटू आर ऑफ एफ बी। देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, सही है। बस अब कुछ नहीं करना है, करंट कितनी है 437.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.03। सी डी की जगह क्या लिखोगे, 337.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.03 प्लस ये 137.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.01 प्लस 112.5। पावर में डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, सिर्फ करंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद रखना। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वहाँ देखा जाता है, अदरवाइज लॉसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। 0.03 बस, अब कुछ नहीं, अब कल से का काम है, इसको कैलकुलेट करें और फाइनली आंसर बता दें। तो 437.5 का स्क्वायर इंटू 0.03 प्लस 337.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.03 प्लस 137.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.01 प्लस 112.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.02 फिर प्लस 412.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.03 कितना रहा है, इसको किलो वाट में लिख दो, तो ये हो गया 14.70625 किलो वाट। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोसीजर हमेशा फॉलो करो जो हमने बताए हैं। पहला टारगेट कुछ भी निकालना, वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो, लॉसेस निकालना हो, ठीक है, जो भी निकालना हो, पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले डिटरमाइन करो कि व्हाट इज़ द करंट इन ऑल सेक्शन। निकालने का तरीका क्या है, पहले हर सेक्शन का रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद उसमें उसके करस्पॉन्डिंग हर सेक्शन में करंट कितनी है, करंट कैसे निकलेगी। इसमें करंट आइए माना है, हमेशा एक साइड से लेके चलो, इधर से चाहे इधर से, अगर दोनों साइड से लेके चलोगे तो मिक्स हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आइए इधर से उधर से आई भी तो फिर आइए एक इक्वेशन दो अननोन निकलेगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, तो सिंपल है कि इधर से लेके चलो और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, जो भी लेके चलोगे अपोजिट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो क्या अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हम लोग पॉजिटिव लेके चले थे इधर से, लेकिन कहीं कहीं अपोजिट आ गया, तो वो बी का डायरेक्शन एक्चुअली, इसका मतलब करंट बी से किधर कितनी आ रही इसके करस्पॉन्डिंग आ रही। फिर तो सिंपल है, बना लो इसको। क्वेश्चन है, ए डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ए बी इज फिट फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड के करस्पॉन्डिंग, ए एट फीडर पॉइंट ए इज मेंटेन इतना वोल्टेज एंड वी बी करस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, वी ए और वी बी दिया हुआ है, ठीक है, मेंटेन कितना कर रखा है 335 वोल्ट एंड वी बी की करस्पॉन्डिंग 236 वोल्ट। ठीक है, अच्छा कहीं वैल्यू तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, एक सेकेंड, कहीं डिफरेंस तो चाहिए, ठीक है, ये इतना वेट में कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया, 235 है और ये 236 है, ठीक है, यहाँ सिली मिस्टेक है। द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज, एल जो है कितना दिया हुआ है 200 मीटर एंड लोडेड एट टैप एज अंडर। अच्छा देखो टैप कितना गया, 1, 2, 3, 4, चलो तो एक तो बना लो, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे बना लेते हैं। 20 एम्पियर कितने मीटर पे है, 50 मीटर पे है, कहाँ से, ए से। फिर दूसरा 40 एम्पियर है,
ए से कितने मीटर पे है, 75, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 25 बस, ठीक है, इन दोनों, ये हो गया सी और ये पॉइंट डी हो गया। फिर 25 एम्पियर, ये कितना है, 100 एम्पियर, सॉरी 100 मीटर, तो इसका मतलब ये भी 25 मीटर, सी से ये ई हो गया। फिर 30 एम्पियर, ये है 30 एम्पियर, कितना दिया हुआ, 150, तो मतलब ये 50 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200, तो इसका मतलब ये हो गया ये 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 मीटर, ठीक है, इतना तो कर सकते थे। फिर इसके बाद सिंपल सिंप्लिसिटी के लिए बोथ साइड से करंट जाएगी, सिंप्लिसिटी के लिए हम ए वाले को लेके चलेंगे, नहीं आई ए, इसमें कितना हो जाएगा, क्या बताया था, आई ए माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा आई ए माइनस 60, यहाँ पे आई ए माइनस 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 85, हाँ 85, और इसमें हो जाएगा आई ए माइनस 30, 85 माइनस 30 कितना हो जाएगा, आई ए माइनस सॉरी आई ए माइनस 85 माइनस 30 कर दो तो कितना होगा, 115, ठीक है, 115, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पहले देख लो, रीचेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ये इसमें से ये गया 60, फिर 60 में से 25 ऐड कर दो बस, 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 85 में फिर 30 ऐड कर दो कितना होगा, माइनस 115, ठीक है। बस अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मिनिमम वोल्टेज, हमारा टारगेट है पहले तो करंट डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, करंट इन ऑल सेक्शन, तो उसके लिए क्या करना बताया था हमने, वी ए माइनस वी बी वोल्टेज ड्रॉप, अच्छा रेजिस्टेंस में लिखना पड़ेगा, अच्छा रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ पर किलोमीटर ऑफ वन कंडक्टर, वन कंडक्टर का दिया है तो टू कंडक्टर करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टू डीसी वायर, ये जो भी होता है टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो दैट्स वाई क्या करेंगे, 2 × 0.4 पर किलोमीटर, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ क्या हो जाएगा मीटर, तब हो जाएगा ये ओम पर मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻³। अब बताओ इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आर ऑफ ए सी, तो 0.8 × 3 × 10⁻³ × 50 कितना हो जाएगा, तो ये 0.8 × क्या करोगे 50, तो कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 0.8 × 50 तो ये हो गया 40, 40 × 10⁻⁴, ये 14 × 10⁻³, ठीक है, तो 0.01 दैट इज 0.04 ओम, ठीक है, आर ऑफ ए सी, तो देखो सेम रेजिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ का रेजिस्टेंस 0.04 ओम, यहाँ का भी 0.04 ओम, और यहाँ का भी 0.04 ओम, लिखने करने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दैट्स वाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो आर ऑफ ए सी दिस इक्वल टू आर ऑफ ई एफ दिस इक्वल टू आर ऑफ एफ बी, ठीक है, डिस्टेंस सेम है इस वजह से रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम होगा, नहीं क्योंकि पर यूनिट ओम पर मीटर जो रेजिस्टेंस है वो तो इतना है, तो लेंथ से मल्टीप्लीकेशन, अच्छा चलो नेक्स्ट वन, आर ऑफ सी डी, आर ऑफ सी डी रेजिस्टेंस इन सेक्शन सी डी, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे रेजिस्टेंस इन सेक्शन सी डी,
तो आर एफ सी डी इज इक्वल टू उसी तरह रेजिस्टेंस सेक्शन ए सी यहाँ पे लिखोगे। चलो तो सी डी और डी ई का सेम रेजिस्टेंस है, डी ई भी क्या होगा सेम रेजिस्टेंस, कितना 25 इंटू 0.8 इंटू 10^-3, ठीक है, बस इसका हाफ हो जाएगा ये, नहीं 0.02 ओम, क्योंकि ये हाफ है ना रेजिस्टेंस, तो ऐसे करके 25 इंटू 0.8 कर दो, ठीक है, तो खैर सही है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, तो ये हो गया 0.02 ओम, ये वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया क्वेश्चन, तो केयरफुली एक बार रीचेक जरूर कर लो। अब क्या करना है, हमारा टारगेट क्या, पहले करंट मिल जाए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया आई ए इंटू आर ऑफ ए सी, फिर आई ए माइनस 20 इंटू आर ऑफ सी डी, सबका वोल्टेज ड्रॉप का सम हो जाएगा, आई ए माइनस 60 इंटू आर ऑफ डी ई प्लस आई ए माइनस 85 इंटू आर ऑफ ई एफ प्लस आई ए माइनस 115 इंटू आर ऑफ एफ बी, बस वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, इनसे घटा देते हैं, ठीक है। ये कितना है, वी ए की वैल्यू 235 और ये 236 है, ये है ना जी, दोनों का, दोनों में ऐसा तो नहीं कोई ऊपर नीचे है, दोनों का जो कर वोल्टेज है, दोनों का एक का वोल्टेज, एक सेकेंड वोल्टेज जो है, एक सेकेंड डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, कहीं वन मिस्टेक तो, हाँ 235 है और 236 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, नहीं अगर लिखना चाहो तो लिख लो 235 माइनस 236, हाँ आई ए इंटू आर ऑफ ए सी, ये कितना है 50, नहीं आर ऑफ ए सी 0.04, फिर आई ए माइनस 20 इंटू आर ऑफ सी डी, आर ऑफ सी डी ये है 0.02, आई ए माइनस 60 इंटू आर ऑफ डी ई दैट इज 0.02, आई ए माइनस 85 इंटू आर ऑफ ई एफ दैट इज 0.04, ठीक है, ये हो जाएगा आई ए माइनस 115 इंटू दैट इज 0.04, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया -1, दिस इक्वल टू दिस वन, तो इसमें आई ए कॉमन ले लो 0.04, 0.06 हो गया, ये 8 में 0.012 और 12 में तो ये हो जाएगा 16, 0.16 आई ए माइनस, अब देखो ये कितना है इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो 20 इंटू 0.2, ठीक है, देखो क्या क्या कॉमन है, 0.2 ये 2 और सॉरी ये हो गया 8, 20 प्लस 60 80 इंटू 0.02 तो ये हो जाएगा 16, नहीं 80 इंटू 0.02 कर दो तो कितना होगा 1.6, ठीक है, तो 1.6 हो गया, कौन कौन सा, दिस वन और दिस वन मिलके, सॉरी दिस वन और दिस वन, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है दिस वन और दिस वन में, ठीक है, तो कुछ नहीं 115 प्लस 85 ऐड कर लो और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो 0.04 का, कितना आया 8 माइनस 8, ये दोनों ऐड होकर कहाँ जाएंगे इस साइड, तो आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.6 प्लस 8 माइनस 1, ये हो गया 8.6 डिवाइड बाई 0.16, ठीक है, डिवाइड बाई 0.16 ये आ रहा है 53.75 एम्पीयर, जो करंट आ गई हमारी किसके करस्पॉन्डिंग 53.7 एम्पीयर, ठीक है, तो आई ए जो है हमको आ गई 53.75 एम्पीयर, करंट का डायरेक्शन क्या आया, पॉजिटिव आया ना,
तो इस वजह से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें कितने हो जाएगी, इसमें से 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 53 में से 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 33.75। फिर यहाँ पे 20 माइनस करो तो ये हो जाएगा, सॉरी 53 में से इसको माइनस करोगे तो ये, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा तब ने, तो ये हो जाएगा 7.25 एम्पियर। और इधर कितना हो जाएगा, इसको तो निकालना पड़ेगा, 6.25, ठीक है। हाँ ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक 53.75 - 85 ये आया 31.25 एम्पियर। और इसमें 115 - 7 कितना है, 53.75 ये आ रहा 61.25 एम्पियर, ठीक है। हमारा टारगेट है मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज किस पॉइंट में मिलेगा, हमने क्या बताया था, जहाँ पे मैक्सिमम करंट हो वो तो वैसे ही देख सकते हो, कहाँ पे मैक्सिमम करंट है, इस पॉइंट पे, ऐसे भी देख लो, देखो सेम करंट, ये भी करंट आ रही है, इधर भी करंट का डायरेक्शन क्या सेम है, देखो उन्होंने तो सिंक की तरीके से बिहेव करता है, जहाँ मिनिमम वोल्टेज होता है तो वहाँ मैक्सिमम करंट होती है ना, तो ये हमको वी डी चाहिए, तो कुछ नहीं कहीं से भी चलो वी ए माइनस वी डी, नहीं ऐसे वी ए माइनस वी डी दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, आई ए इंटू आर ऑफ ए सी प्लस सी डी इंटू आर ऑफ सी डी, ठीक है। तो चलिए हमको वी डी चाहिए, तो वी डी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस, वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए कितना है 235 माइनस, ये पूरा इधर आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो आई ए की वैल्यू कितनी है 53.75 इंटू वाट अबाउट रेजिस्टेंस 0.4 प्लस, नहीं माइनस, फिर माइनस, सी डी में कितनी करंट है 33.75 इंटू आर ऑफ सी डी दैट इज 0.02, तो ये जो वी डी मिलेगा ये मिनिमम वोल्टेज हो गया, नहीं तो पहले तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं 53.75, ठीक है, इंटू 0.02, ठीक है, 33.75 इंटू 0.02 टोटल कितना रहा है इतना, और माइनस करना है 235, तो ये आ रहा है कितना 233.25 वोल्ट, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है, कहीं मिस्टेक 232 कहीं आ रहा है, एक सेकेंड, 53.75 इंटू 0.04 है ना, 0.04, ठीक है, प्लस ये तो ठीक है ना, 33.75 इंटू 0.02 तो ये आ रहा है टू, ये जो कर क्या रहा है, एक सेकेंड थोड़ा, 235.2825, ठीक है, माइनस करेंगे तो 235 में से, सॉरी हाँ सही आ रहा है 232.175 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, सही है, एग्जैक्ट आंसर आया, ठीक है। तो कहीं पे इसको जब आप करो क्वेश्चन तो एक बार रिजॉल्व करके जरूर देखो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको क्या चाहिए भाई, हमको तो पहले से पता है, करने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा मिनिमम, अगर ये देखो इस क्वेश्चन में पूछा था ना कि वोल्टेज कितना है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर, तो वोल्टेज कितना हो गया 232.175 वोल्ट, ठीक है। और ये जो पूछा था क्वेश्चन
ठीक है, क्या लिखेंगे, 75.75 मीटर फ्रॉम ए, ए पॉइंट से कितना है 75 मीटर पे, और कितना वोल्टेज है इतना। देखो हमको तो पहले से पता था कि जहाँ पे मैक्सिमम करंट होगी वो तो मिनिमम वोल्टेज होगा ही वहाँ पे, वो तो पहले से पता है, ये तो हमको पता था, लेकिन कितना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि आर सेक्शन का रेजिस्टेंस, आर सेक्शन की करंट डिटरमाइन करो, आफ्टर दैट वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आल वोल्टेज ड्रॉप का सम, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से आई ए निकालोगे, आई ए निकालने के बाद फिर सिंपल सा है, निकाल लो इसको, बना लो।